तो गाइस आज हम देखने वाले कि कौन सा लॉन्चर बेस्ट है, ये वाला रिपकॉर्ड वाला, हमारा नया नवेला स्ट्रिंग लॉन्चर, या फिर हमारा पुराना हाथ से बनाया हुआ स्ट्रिंग लॉन्चर। देखते हैं कौन सा बेस्ट है। वैसे तो ये उल्टी तरफ घुमाता है, वैसे तो ये लेफ्ट स्पिन कराएगा, लेकिन फिर भी हम लिब्रा से करने वाले हैं क्योंकि इसका लेफ्ट राइट सेम ही होता है, एकदम सेम सभी बुलेट है। सो इससे ही करेंगे हम सब कुछ ट्राई। देख सकते हो हमारा ये वाला भी ब्लेड का सब कुछ सेम है, लगभग गोल मटोल है, एकदम बढ़िया है। और उम्मीद करते हैं ये एक कोने में जाके नहीं फंसेगा। सो एक मिनट रुको, हम एक बढ़िया सा स्टेडियम बनाते हैं लोहे वाला। तो लोहा लोहे को काटेगा। तो यहाँ पे हम स्टॉपर चला देते हैं, ओके, ब्राइटनेस फुल, होपफुली तुम लोगों को भी आराम से दिख जाएगा विदाउट एनी टेंशन, ओके। तो सबसे पहले तो पहले हम इससे करते हैं हमारे लिब्रा से, 3, 2, 1। लगभग 3.5 मिनट तक घूमा है, एकदम बिंदासली। अब रिपकॉर्ड की बारी, हम रिपकॉर्ड से देख लेते कि कितना देर घूम पाता है, ओके, 3, 2, 1। अब ऐसे यहाँ पे प्लास्टिक जिनका एक लंबा सा स्ट्रिंग लॉन्चर है, वो मैटर करता है, लेकिन फिर भी 3, 2, 1, लेट इट। ओके, तो लगभग 3 मिनट 25 सेकंड के अप्रॉक्स ये घूमा है। नॉइस उतना भी डिफरेंस नहीं है, 5 सेकंड के लगभग डिफरेंस है। नाउ हमारा सबसे बेस्ट लॉन्चर, स्ट्रिंग लॉन्चर हैंडमेड वाला, इससे देखते हैं। ये लेफ्ट स्पिन घूमेगा, बट फिर भी उससे फर्क पड़ेगा नहीं। 3, 2, 1। ओके सॉरी, 3, 2, 1। अरे मेरा बेस पक्का नहीं है रे, अबे यार। नहीं इसे नहीं लेंगे, हमने धीरे लॉन्च किया, हमें धीरे नहीं लॉन्च करना। अरे यार तुम यहाँ पर आओ। ओके आई होप तो हमने ठीक से लॉन्च किया है, जो होगा देखा जाएगा। ओके तो ये 3 मिनट 22 सेकंड तक हो गया है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा घूमा है, मतलब या होममेड जिंदाबाद बड़ी। तो मुझे अब एडिटिंग के टाइम पता चला कि मैंने टाइमिंग नहीं देखी है, हमारा जो हैंडमेड स्ट्रिंग लॉन्चर था वो 3 मिनट 22 सेकंड तक चला था, ये वाला 3 मिनट 30 सेकंड के अप्रॉक्स चला था, और हमारा जो रिपकॉर्ड लॉन्चर वो चला था 3 मिनट 25 सेकंड के अप्रॉक्स। तो या 5-7 सेकंड के डिफरेंस है, और एक स्टेमिना बे के अनुसार इतना डिफरेंस मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होता, और मैंने इसको बेस्ट बोल दिया। मैंने सोचा सब 2 मिनट 2.5 मिनट चले थे, लेकिन नहीं, ये सबसे कम चला है। अब देखो मेनली बात तो इसे हम अच्छे से लॉन्च, मतलब स्पीडली लॉन्च नहीं कर पा रहे, तो देखते थे इतना ज्यादा रिकॉल करता है ये, लेकिन हाँ इससे हम हैवी बीब्लेड्स लॉन्च कर सकते हैं, जो कि हम इससे नहीं कर सकते, वो तुम्हें एक आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने एक हैवी बीब्लेड बनाया जो कि अप्रॉक्स 300 ग्राम का है, उससे ये लॉन्च नहीं कर सकता, ये लॉन्चर टूट जाएगा, मतलब नहीं लॉन्च कर सकता, स्पीडली तो लॉन्च ही नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पे हमारा ये वाला बीब्लेड बढ़िया से लॉन्च कर सकता है। सो विच लॉन्चर इज बेस्ट, ऑब्वियसली पैसा दिया है बेस्ट तो होगा ही, इसमें कंफर्ट है, इसमें बेस पक्का होता है, बीब्लेड्स अच्छे से लॉन्च होते हैं, स्मूथली लॉन्च होते हैं, मक्खन से लॉन्च होते हैं, हमारा हैंडमेक मेहनत किया है, बढ़िया तो होगा ही। ये वाला बेस हम कोई भी भारी वर्कम भी इजीली लॉन्च कर सकते हैं, उसमें हम स्पीड दे सकते हैं, मतलब स्पीड से लॉन्च कर सकते हैं, ताकत दे सकते हैं उस भारी वर्कम बैड में, तो हैंडमेक बे के लिए बढ़िया है, बेस्ट है,
मेरे लिए तो यही लॉन्चर सबसे बेस्ट है भाई साहब। बाय द वे हाँ, सेकंड के अनुसार जो टाइमिंग के अनुसार है ये वाला लॉन्चर बेस्ट है। सो या कोई मान लो सारे लॉन्चर बेस्ट है मेनली। गिर गया भाई साहब, देखो कितने ही डिफरेंस है सेकंड्स के लिए। तुम देखो एक 3 मिनट का 3.5 मिनट का चलने वाला बीब्लेड में बस 5 सेकंड और 7 सेकंड का डिफरेंस है, कितना ही डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं अपनी जान लगा के खींचू तो हो, मतलब रिकॉर्ड खींचू या फिर रिकॉर्ड खींचू। और हाँ, स्ट्रिंग लॉन्चर को हम बार बार रिकॉर्ड बोल देते हैं, इतना रिप RIP का नशा सा चरा है। सो रिपकॉर्ड सारे विब्लेट लॉन्चर बेस्ट हैं। सो फाइटिंग में कोई भी लॉन्चर तुम्हें निराश नहीं करेंगे, चाहे वो तुम्हारा रिपकॉर्ड लॉन्चर हो, चाहे वो तुम्हारा स्ट्रिंग लॉन्चर हो, और चाहे वो ऐसा हैंडमेक बनाया लॉन्चर हो। और जो कार्डबोर्ड विब्लेट की बात करें, मतलब कार्डबोर्ड लॉन्चर की बात कर रहे थे वो हम भूल गए भाई साहब, ये सब आए तो इसके खुशी में हम वो भूल गए। लेकिन हाँ, हम बनाएंगे वीडियो, तभी हम डेली डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो या एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी। नाइस। लेकिन खैर, इसे चलाने में ज्यादा मजा आता है, इसमें बेस पक्का होता है, बेब्लेड्स अच्छे से लॉन्च हो सकते हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम इससे लॉन्च करें तो देखना ये सब घूम घूम जाता है, और देखो हो गया सीन। या मेरे को पसंद नहीं है। शिट। एट द एंड पार्ट चलो एक बेस फालतू का बैटल कर लेते हैं। अरे तो 3, 2, 1 क्या पैकेजिंग हारेगा, मेरे को फील आ गया भाई। तू हार गया। क्या पैकेजिंग एग्रेसिव तो है बट या ये वन हार गया। ये ही ब्रा सेजिटेरियो ওই দাদি লজ করবি ওইটা এখনই আমার স্টেডিয়াম ফাটাল। बढ़िया अटैक अटैक।